हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे नेक्स्ट चैप्टर हमारा था डिफेंसिबिलिटी। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ई एस टू वन प्लस एक्स माइनस ई एस टू वन माइनस ई एस टू माइनस वन बाई एक्स अकाउंट में ई एस टू वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स प्लस ई एस टू माइनस वन अपॉन एक्स एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमें ये बताना है कि ऑप्शन ये है फंक्शन हम कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, ओके, और सेकंड ऑप्शन ये है कंटिन्यूस एट नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, थर्ड दिया डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, और फोर्थ दिया एट डैश एक्स डैश जीरो इक्वल टू टू। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं और हमें क्या मालूम है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल प्रूव हो जाए LHG, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। और कंटिन्यूस एंड अगर नॉन डिफरेंशिएबल तो क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, LHG करते हैं, तो पहले LHG मतलब जीरो माइनस करेंगे, जीरो माइनस क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, सॉरी एच टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो निकलेगा। फंक्शन क्या है, बस लिख देंगे एक्स स्क्वायर ई रेज टू वन अपॉन में एक्स माइनस ई रेज टू माइनस वन अपॉन में एक्स अपॉन में ई रेज टू वन अपॉन एक्स प्लस ई रेज टू माइनस वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर इनटू में, ओके। अच्छा आप क्या करेंगे, जीरो निगेटिव का मतलब क्या हो गया कि अगर जीरो माइनस एच पुट कर दो, जीरो माइनस एच पुट करेंगे क्या आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस जीरो माइनस एच का स्क्वायर क्या रहेगा एच स्क्वायर, और ये क्या होगा हमारे पास ई रेज टू माइनस वन अपॉन में एच माइनस ई रेज टू ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वन अपॉन में एच अपॉन में ई रेज टू ये होगा हमारे पास माइनस वन बाई एच माइनस वन अपॉन में एच प्लस और ई रेज टू वन अपॉन में एच ये बन गया। अच्छा अब क्या करेंगे, हमें क्या मालूम है ये अगर जीरो पुट करोगे तो क्या रहेगा ई रेशो माइनस नॉट डिफाइन, और ई रेशो क्या रहेगा नॉट डिफाइंड, ई रेशो नॉट डिफाइन क्या होता है नॉट डिफाइन, तो ई रेशो माइनस नॉट डिफाइन जीरो, जीरो माइनस नॉट डिफाइन अपॉन जीरो प्लस नॉट डिफाइन क्या हो गया इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। इनडिटरमिनेट फॉर्म बनता है मतलब क्या करेंगे, फिर यहाँ से ये कॉमन कर लो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ई रेशो एच वन अपॉन में एच कॉमन किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई रेज टू एच स्क्वायर इनटू में ई रेज टू टू माइनस टू अपॉन एच माइनस वन अपॉन में ई रेज टू माइनस टू अपॉन एच प्लस वन, ओके। अब क्या करेंगे लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट ऐसे ही पुट करोगे क्या जाएगा यहाँ पे एच है ये जीरो और ये क्या मिलेगा जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनस वन आएगा। तो आंसर क्या है हमारे पास एल एच डी क्या आ गया जीरो आ गया, एल एच डी जीरो आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे आर एच डी निकालेंगे, आर एच डी निकाल देंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा जीरो एक्स स्क्वायर बैटरी बुक करिए एक्स एल की हमें यहाँ पर जीरो प्लस एस जीरो प्लस एस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर ई रेज टू वन अपॉन जी एच हो जाएगा हमारे पास ई रेज टू वन अपॉन एच माइनस ई रेज टू माइनस वन अपॉन एच ई रेज टू वन अपॉन एच प्लस ई रेज टू माइनस वन अपॉन एच ये हो गया। अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर फिर से देखो जीरो पुट करेंगे ई रेज टू नॉट डिफाइंड माइनस ई रेज टू माइनस नॉट डिफाइंड, ओके। तो यहाँ ये जीरो हो गया ये जीरो हो गया बट ये हमारे पास क्या नॉट डिफाइंड फॉर्म हो गया, नॉट डिफाइंड में नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म हुआ हमारे पास क्या करेंगे फिर से क्या करेंगे ई रेज टू माइनस वन अपॉन एच वन अपॉन एच कॉमन कर लेंगे, क्या रहेगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच स्क्वायर इनटू में ये हो जाएगा ये कुछ कॉमन के क्या हो गया वन माइनस ई रेज टू माइनस टू बाई एच अपॉन में वन प्लस ई रेज टू माइनस टू बाई एच, ओके ये हो गया। अब लिमिट पुट कर दो वन माइनस ई रेज टू माइनस नॉट डिफाइंड ई रेज किसी नंबर की पावर में अगर माइनस नॉट डिफाइंड वो नंबर क्या होता है जीरो, क्यों होता है वन अपॉन ई रेज टू नॉट डिफाइंड, ई रेज टू नॉट डिफाइंड क्या होगा जीरो सॉरी इनफाइनाइट, तो वन अपॉन में नॉट डिफाइंड क्या होता है जीरो, ये क्वेश्चन जीरो ये क्वेश्चन जीरो क्या है हमारे
लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 0 * में 1 क्या आ गया मेरे पास 0। अच्छा ध्यान से देखो, RSD भी 0 है और LSD भी 0 है, मतलब क्या हो गया हमारे पास LSD इक्वल टू RSD, LSD इक्वल टू RSD, मतलब फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या हो गया फंक्शन 0 पे कंटिन्यूटी हुआ, तो हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्या था, कंटीन्यूअस है नॉट डिफरेंशिएबल, यहां पर दिख रहा है डिफरेंशिएबल है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया। एट दिस 0, अब 0 पे तो निकाला है ना, 0 पे क्या आ रहा है आंसर 0, ये तो टू दिया हुआ है, ये रॉन्ग हो गया, पता ऑप्शन क्या हो गया, ए और सी करेक्ट है, बी और डी रॉन्ग है। ओके नोट कर लीजिए, क्या करेंगे यहाँ पर, अभी क्या गिवन है x by 4 गिवन है, तो और क्या गिवन है f dash 0 गिवन है, तो f dash 0 को निकालते हैं, f dash 0 इक्वल टू क्या होता है लिमिट h tending to 0 f of 0 plus h minus f of 0 अपॉन में क्या होता है h, राइट right? तो f dash 0 इक्वल टू क्या आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ओके एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 क्या गिवन है हमारे पास 0 गिवन है, यहां पे क्या हो गया एफ ऑफ एच अपॉन में एच हो गया, ये हुआ हमारे पास। अच्छा यहां पे क्या है x / 4 है हमारे पास, अगर ये कंडीशन आ गई ओके। अच्छा यहां पे देखते हैं इसके लिए क्या लिखा हुआ है, लिमिट x tending to 0 f of x by 4 अपॉन में क्या है x है, अगर यहां पे x by 4 कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीपल 4 से डिवाइड, तो ये जो 4 है ये बाहर आ जाएगा हमारे पास 1 by 4 लिमिट x tending to 0 है, और यहां पे आ गया f x by 4 अपॉन में x by 4, ये कुछ यही तो लिखा हुआ है, देखो x के प्लेस पे क्या लिखा है x by 4 लिखा होगा तभी, और 0 को टेंड कर रहा होगा, और यहाँ पे x
x^4 ये क्या हो गया हमारे पास f डैश 0 हो गया 1/4 और f डैश 0 और f डैश 0 क्या हमारे पास 1 है तो आंसर क्या है हमारे पास 1/4 आंसर है ओके या फिर इसको सही तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/4 और इनटू में 1 तो आंसर क्या है हमारे पास 1/4 या आंसर हो गया हमें जो जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसका यूज करना है यहाँ पर तो यूज करते रहेंगे क्या करेंगे f ऑफ x 0 क्या गिवन है 0 गिवन है सबसे पहले डिफरेंशिएबल कंडीशन देखते हैं डिफरेंशिएबल कंडीशन क्या दिया है 1 दिया हुआ है ये वैल्यू क्या गिवन थी हमारे पास 1 गिवन थी यहाँ पे लिख दे दो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है इक्वल टू लिमिट h / x निकल जाएगा हमारे पास तो ये वैल्यू क्या होगी 1 ये वैल्यू 1 1 टू 1/4 1 इनटू 1/4 क्या हो गया आंसर 1/4 ओके नोट कर लेते हैं जो फंक्शन होगा वही आएगा
जैसे 4 रखो है, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, पॉजिटिव 1 आ रहा है हमारे पास, तो ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन हो गया। अब हमें पॉइंट कौन कौन से हमारे पास 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, LHL मतलब 1 से लेस पोर्शन में 1 रख देंगे और 1 से राइट पोर्शन में 1 रख देंगे। तो 1 से राइट पोर्शन में 1 रखने क्या आएगा, 1/4 माइनस 3/4 प्लस 13/4, 1/4 13/4 क्या आएगा हमारे पास 14/4 मतलब 7/2, 7/2 माइनस 3/2 क्या आएगा 4/2, 4/2 मतलब क्या हो गया 2 आ गया। 1 से लेफ्ट पार्ट क्या आ गया हमारे पास, f ऑफ 1 नेगेटिव की वैल्यू क्या आ गई 2। ओके अब 1 पॉजिटिव ये फंक्शन है, 1 पुट कर लो 3 माइनस क्या आएगा 2, 1 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा हमारे पास 2, 1 पे क्या आएगा 1 एक पुट करो क्या आएगा 1 पे भी 0 है 2 आएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू 2। तो तीनों इक्वल है हमारे पास, इक्वल है ना, इनका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे कंटीन्यूअस हो गया, मतलब क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकेंड क्या था हमारे पास, कंटिन्यूअस x इक्वल टू 3, ये भी चेक कर लेते हैं। 3 एक से लेस पोर्शन क्या है, यहाँ पे 3 रखोगे 0, 3 से ग्रेटर पोर्शन क्या है ये, यहाँ पे 3 रखोगे 0, f ऑफ 3 नेगेटिव 0, f ऑफ 3 पॉजिटिव 0, आंसर क्या है हमारे पास, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड इज इक्वल टू 3। ओके अगर आपको याद हो मॉड हमारे पास था, मॉड फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है, जिस पॉइंट पे 0 हो रहा था 3 पर, तो 3 पर 0 मतलब क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके हमारे पास 3 पे कंटिन्यूअस हो गया। अच्छा हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो ये नोट कर लिया, क्या करते हैं फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास y डैश, y डैश क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 2x/4 मतलब क्या आएगा x/2 माइनस 3/2, ये क्या आएगा माइनस 1, ये क्या आएगा 1, x लेस देन 1, x यहां भी क्या होगा 1 से ग्रेटर और 3 से लेस, ये पोर्शन क्या आएगा x ग्रेटर और इक्वल टू 3, राइट, डिफरेंशिएशन करना आता है ना हमें, उसी मेथड से किया है क्योंकि ऑप्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्टली कर सकते हो यहां पे, यहां पे वो 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे देखते हैं क्या आएगा 1/2 माइनस 3/2 माइनस 2/2 माइनस 1, माइनस 1 में माइनस 1, 1 पे पॉजिटिव क्या है 1 पॉजिटिव क्या आएगा 1 माइनस 1, 1 नेगेटिव भी माइनस 1, मतलब क्या हो गया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। 3 पे चेक करते हैं 3 नेगेटिव माइनस 1 3 पॉजिटिव, तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, ये रॉन्ग हो गया, आंसर क्या हो गया हमारे पास ए बी सी इज राइट एंड डी क्या हो जाएगा रॉन्ग। ओके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इनटू में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके ये गिवन है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए,
और ये गिवन है x लेस देन रूट के लिए cos ऑफ पाई बाई 2 इनटू में मॉड x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ओके, वेयर दिस साइन डिनोट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन चेक डिफरेंसिबिलिटी, इन माइनस वन टू टू। ओके, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। क्या करेंगे यहाँ पर, फंक्शन को बनाते हैं पहले, माइनस वन से टू है तो किस किस पॉइंट पे जीरो मिलेगा, पहले तो यहाँ पे मॉड एक्स है मतलब माइनस वन से जीरो बनेगा, जीरो से वन बनेगा, वन से टू बनेगा, सॉरी वन से क्या होगा ग्रेटर बनेगा, बना दो और टू भी तो है हमारे पास, वन से टू बनेगा फिर टू भी बनेगा। देखो क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x माइनस 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा, तो फंक्शन बना लेते पहले, सिंपल थोड़ा सा सिंपल करते पहले, क्या दिया है ये मॉड ऑफ 2x, लेस पोर्शन पहले लिखते हैं, cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 mod x minus fractional part of x, x is less than 1, okay, और ये portion में लिखा हुआ है mod of 2x minus 3 into the fractional part of x, ये क्या given है, x is greater or equal to 1, कैसे वे mod आ गया हमारे पास, अब ये जो mod है हमारे पास, ये mod किस point पे 0 है, उस point को क्या करेंगे, negate करेंगे, ये mod कहाँ पे 0 है, 2x minus 3 है, तो 3 बाई 2 पे हो जाएगा हमारे पास 0, तो 3 बाई 2, तो 1 से लेके 3 बाई 2, 3 बाई 2 से 2 करेंगे, इतना नोट कर लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन ग्राफ करते हैं, अच्छा आपको मॉड एक्स का ग्राफ तो याद होगा, माइनस वन जीरो वन टू, ये होगा माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, वन से टू, बट हमारे पास एक और पॉइंट मिल गया क्या, थ्री बाई टू, थ्री बाई टू यहाँ पे होगा। अच्छा इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा हमने,
क्वेश्चन नंबर इस फंक्शन को डिफाइन कर लेते पहले एफ एक्स क्या बनेगा माइनस वन से जीरो क्योंकि माइनस वन से टू हमें डिफाइन करना है ना हमें तो माइनस वन से जीरो एक्स इज माइनस वन टू जीरो माइनस वन से जीरो कौन सा क्वेश्चन आएगा यहां पर आएगा यहां पर आएगा तो ये जो माइनस वन जीरो से लेफ्ट पार्ट है ये जो मॉड एक्स है मॉड एक्स वो कैसा होगा निगेटिव में होगा मॉड एक्स ऐसा होता है ऐसे ही होता है हमारे पास ये निगेटिव पार्ट है इधर पड़े ना जीरो से लेफ्ट साइड तो ये जो मॉड है वो नेगेटिव ओपन होगा कॉस पाई बाय टू माइनस एक्स ओके अब हमें इसको डिफाइन करते हैं जीरो से लेफ्ट पार्ट के लिए ग्राफ क्या होता है हमारे पास एक्स प्लस वन ये होता है एक्स और ये होता है एक्स माइनस वन ये तो याद होगा ग्राफ में बताया भी था आपके पास तो ये जो मॉड फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी इक्वेशन क्या होगी एक्स प्लस वन होगा माइनस से मल्टीपल हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वन हो जाएगा हमारे पास होगा अच्छा अब बात करते हैं जीरो से वन की तो जीरो से लेकर वन की बात की जीरो से वन के हमारे पास एक्स है तो कॉस पाई बाय टू ये हो जाएगा एक्स मॉड मॉड भी एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स मॉड हमारे पास कैसा होगा जीरो से लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है ये एक्स ये के माइनस जीरो से राइट साइड क्या है एक्स है मॉड की वैल्यू और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है हमारे पास एक्स है तो ये भी एक्स हो गया ओके अब वन से लेकर टू बाई थ्री बाई टू इसको ध्यान से देखना ये कहा आ गया हमारे पास वन से ग्रेटर और थ्री बाई टू 3 by 2 के लिए ये जो मॉड है हमारे पास वो कैसा ओपन होगा नेगेटिव ओपन होगा तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 2x माइनस 3 और फ्रैक्शनल पार्ट है तो 1 से ग्रेटर के लिए हमारे पास क्या है x माइनस 1 है तो इनटू में x माइनस 1 हो गया ओके अच्छा 3 by 2 से ग्रेटर कर लेते हैं 3 by 2 से लेकर 2 तक 3 by 2 से लेकर 2 तक सॉरी ओपन है क्योंकि यहां पे 2 ओपन ना हमारे पास अच्छा तो ये मॉड क्या होगा पॉजिटिव ओपन होगा 2x माइनस 3 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा x माइनस 1 ही आएगा 2 तक है और x इक्वल टू 2 के लिए क्या आएगा हमारे पास जैसे ही आपने 2 रखा तो इंटीजर पार्ट का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 तो ये यहाँ पे 0 करोगे कुछ भी रखो क्या आएगा 0 आ जाएगा ये हो गया हमारे पास फंक्शन डिफाइंड फंक्शन डिफाइंड हो गया अब बात चेक कर लेते हैं हमें क्या आज तक चेक करना था कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं अच्छा तो किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक होगी इसको रख कर पता होगा इतना फंक्शन बनने के बाद ही सब पता किसके पॉइंट पे चेक होगी जीरो पे चेक होगी वन पे चेक होगी थ्री बाई टू पे चेक होगी और टू पे चेक कर लेंगे तो यहां पे लिखता हूं कंटिन्यूस और यहां पे लिखता हूं डिफरेंशिएबिलिटी यहां पे वैल्यू ऑफ एक्स तीन पोर्शन बना दिए ओके तो एक बार एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक किया एक्स इक्वल टू वन पे चेक किया ये पॉइंट है वन है थ्री बाई टू है एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू पे चेक किया और टू है टू पे चेक कर लिया एक्चुअल में हमारे पास क्या होता है टू से ग्रेटर होगा बस हमारे पास ग्रेटर और इक्वल होता है तो हमारे पास क्या है यहाँ पे इंक्लूडिंग पे इकट्ठा माइनस वन से लेकर टू तक तो इसके लिए हम टू पे चेक कर रहे हैं जीरो पे चेक करते हैं कंटिन्यूस है ये चेक करना है तो यहाँ पे जीरो टूट के ये जीरो क्या हो जाएगा हमारे पास
जीरो जीरो माइनस वन आएगा और अब कॉस ऑफ माइनस बाई टू क्या होता है जीरो, कॉस ऑफ माइनस बाई टू क्या हो जाएगा जीरो। और जैसे यहाँ पे क्या है कॉस जीरो वैल्यू क्या होती है वन, यहाँ पे जीरो पुट किया एक्स के प्लेस पे जीरो पुट करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करें लोग एक्स के प्लेस में जीरो पुट किया ये जीरो होगा ये जीरो बचा क्या हमारे पास माइनस वन, इससे मल्टीपल हो गया माइनस फाइव बाई टू और कॉस माइनस फाइव बाई टू कॉस फाइव बाई टू और कॉस नाइनटी वैल्यू क्या होती है जीरो। तो एल एच एल क्या आ गया हमारे पास जीरो आ गया। आर एच एल चेक करते यहाँ पे पहले से जीरो एक्स माइनस क्या होता है जीरो जीरो इंटू फाइव बाई टू जीरो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन, लेफ्ट हैंड जीरो आ रहा है राइट हैंड वन आ रहा है तो कंटिन्यूस तो है ही नहीं। ओके कंटिन्यूस नहीं है अच्छा तो वन पे चेक कर लेते हैं वन पे ये वन पे चेक किया तो ये पोर्शन तो हमारे पास वन आ रहे हैं अच्छा इसको हट हटा के लिख देते हैं वन डायरेक्टली। ओके वन पे लेफ्ट हैंड क्या आ रहा है वन, यहाँ पे चेक करते हैं वन पुट किया जीरो आ रहा है दिख रहा है हमारे पास वन जैसे ही पुट किया जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाए जीरो, वन डज नॉट इक्वल टू जीरो तो वन पे भी कंटिन्यूस नहीं है। थ्री बाई टू पे चेक कर लेते हैं थ्री बाई टू पे ये पोर्शन जीरो जीरो इंटू समथिंग जीरो यहाँ पे रखा है जीरो जीरो तो थ्री बाई टू पे कंटिन्यूस है। ओके अब टू पे चेक करते हैं टू से लेफ्ट पार्ट क्या है हमारे पास वैल्यू मिलेगी फोर माइनस थ्री वन और टू माइनस वन वन डज नॉट इक्वल टू जीरो कंटिन्यूस नहीं है। अब आती है डिफरेंसिबिलिटी डिफरेंसिबिलिटी आई तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है माइनस टू एक्स माइनस वन कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है अच्छा तो चेक करते हैं साइन पाई बाई टू हो जाएगा कॉस का डिफरेंस क्या था साइन इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास इधर रखो फिर देखो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन पाई तो जाएगा साइन पाई बाई टू इंटू में माइनस टू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन। ओके और माइनस टू एक्स दोबारा करोगे क्या आएगा पाई बाई टू इंटू में माइनस टू क्या है। ओके दिया गया ये तो हमारे पास क्या रहेगा जीरो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना निकाल रहा है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव एक्स तो इसको लिख लेते थोड़ा सा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस थ्री ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा हमारे पास माइनस साइन है केवल यहाँ पर तो क्या आएगा माइनस ऑफ फोर एक्स माइनस में फाइव इसका क्या आएगा 4x माइनस में 5 और ये प्लस हो जाएगा माइनस का मल्टीपल है अच्छा इसका जीरो ही रहेगा। अच्छा अब देखो क्या किया जीरो पे चेक कर रहे हैं जीरो रखेंगे जीरो रखेंगे क्या है बस हमारे पास ये पोर्शन जीरो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा टू से टू कैंसिल माइनस फाइव साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो क्या लगा माइनस साइन पाई बाई टू मतलब माइनस वन इसकी वैल्यू जो है ये जो फंक्शन है साइन वाला ये क्या आएगा हमारे पास माइनस वन आएगा ये जो फंक्शन है इसके लिए क्या आएगी माइनस वन आएगी जीरो पुट करें ना हम लोग यहाँ पे जीरो पुट किया क्या है टू इंटू जीरो 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 इंटू माइनस वन और जीरो माइनस वन माइनस वन माइनस वन इंटू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू साइन माइनस पाई टू वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो ये वैल्यू माइनस वन टू से टू खत्म हो गया इंटू में माइनस फाइव तो क्या आया पाई एल एच एल आया पाई आर एच एल क्या आया जीरो डिफरेंशिएबल सॉरी एल एच डी क्या आया पाई और आर एच डी क्या आया हमारे पास जीरो डज नॉट डिफाइन डिफरेंशिएबिलिटी। फिर वन पे चेक किया वन से लेफ्ट पार्ट क्या मिल रहा है जीरो वन से राइट पार्ट क्या मिल रहा है वन नॉट डिफरेंशिएबल। फिर थ्री बाई टू पे चेक किया थ्री बाई टू से लेफ्ट पार्ट किया यहाँ पे थ्री बाई टू किया क्या आएगा
माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस वन यहाँ पे चेक किया तो सिक्स माइनस फाइव माइनस वन, यहाँ पे वन यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे वन इसकी वैल्यू और यहाँ पे क्या माइनस वन, नॉट डिफरेंशिएबल। और आपको पता है कि मॉड जो फंक्शन होता है, मॉड फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। चेक भी किया था, लेफ्ट पार्ट माइनस वन आता था, राइट साइड क्या आता था, वन आता था। वैसे ये हमारे पास एक मॉड एक तो था, और टू पे चेक करते हैं, टू पे क्या आएगा, यहाँ पे टू गुड करोगे तो क्या आएगा, एट माइनस फाइव थ्री, ये जीरो, टू पे क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है, वन पे कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है, थ्री बाई टू पे कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, और टू पे क्या है, कंटिन्यूस भी नहीं है और डिफरेंशिएबल भी नहीं है। लिख लीजिए, ठीक है, ये मैं डायरेक्टली क्या हुआ, इसको रफ कर देते हैं। अगर जिसको नहीं समझ में आया तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, साइड में कर लो और उसमें वैल्यू पुट करते जाओ, सामने का क्या डिफरेंशिएशन किया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू x into 1 minus x square, investigate the composite function f of g of x and g of f of x for continuity and differentiability okay, ये function था question था। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास कि fog और gauge को define करना है, तो इतना करिए पहले, fog और gauge को define करिए। अगर आपने फॉग और गॉफ डिफाइन कर लिया तो उसके बाद में क्या रहेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉग और गॉफ डिफाइन नहीं कर पाए तो क्वेश्चन क्या होता है, और प्रॉब्लम करेगा। तो हमें यहाँ बोला कि फंक्शन हमें ऐसे प्लेस में फंसाएगा जहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, तो करते हैं फॉग करते हैं। फॉग है हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ क्या है हमारे पास, जी एक्स क्या है, एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अच्छा फंक्शन क्या था, सिग्नम एक्स, तो ये जाएगा सिग्नम ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। अच्छा अब मैं सिग्नम को मान लू, मैं सिग्नम क्या होता है, सिग्नम होता है माइनस वन जब एक्स क्या होगा लेस देन, और वन होता है जब एक्स क्या होता है ग्रेटर देन, और जीरो किस पॉइंट पर होता है जब फंक्शन वैल्यू जीरो होती है। तो दो पार्ट बनेंगे हमारे पास, ये फंक्शन आइदर नेगेटिव होगा तो माइनस मिलेगा,
ये फंक्शन पॉजिटिव होगा तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा, जीरो तो दिखी जाएगा हमारे पास, जीरो डिस्पेंट भी होगा वो जीरो हो जाएगा। अच्छा तो हमने दो पार्ट किए, वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो लेस ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे किया एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, दो बनाते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इज लेस देन जीरो हो जाएगा, माइनस एक कॉमन किया तो इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ पे क्या होगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज। नंबर एंड ड्रॉ कर देते हैं, तीन पॉइंट है हमारे पास, माइनस वन जीरो और वन दिख रहा है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें क्या चाहिए लेस पोर्शन चाहिए, तो इसके लिए जो फंक्शन होगा एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा नेगेटिव का मिल रहा है हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस वन ओपन है, माइनस वन यूनियन जीरो टू वन ओपन क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास माइनस वन हो गया तो मतलब क्या रहेगा ये पोर्शन जीरो हो जाएगा, और जीरो में क्या होता है फंक्शन क्या होता है जीरो, तो इसलिए ओपन है। अच्छा ये बात देखते हैं, इसके लिए नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, हमें क्या चाहिए यही फंक्शन तो लिखा हुआ है, ये सेम लिखा हुआ है तो पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव क्या मिल रहा है माइनस वन से जीरो यूनियन वन से नॉट डिफाइंड, और माइनस वन जीरो और वन पे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, इतना रूट कर दो ग्राफ बना लेते हैं, ये है माइनस वन और ये है वन, बाकी तो ये पता है ये जीरो है। ओके सो अब बात करते हैं माइनस वन कहाँ पे मिल रहा था हमारे पास, ये ग्रेटर पोर्शन था, हमें ये देखना है ग्रेटर पोर्शन था इसके लिए क्या मिलेगा वन मिलेगा, किस किस पॉइंट में मिलेगा वन, माइनस नॉट डिफाइंड से माइनस वन, ये पोर्शन है माइनस वन और ये पोर्शन है वन, माइनस नॉट डिफाइंड से लेकर माइनस वन वन मिल रहा है, और जीरो से लेकर वन जीरो से लेकर वन तक मिल जाता है। ओके और इस पोर्शन में क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा और यहाँ पे सॉलिड होगा, जीरो वन और माइनस में क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, फंक्शन के लिए जीरो जीरो फंक्शन के लिए जीरो जीरो क्या होता है जीरो, अब हमारे पास लेस देन वन, लेस देन का आंसर माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो और वन से नॉट डिफाइंड, वन से नॉन डिफाइंड, ये है हमारे पास एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ओरिजिन ओरिजिन एक्स डैश और वाई डैश, ओके ये है एक्स डैश। अच्छा देखो फंक्शन देख के बता सकते हो कि किस किस पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है माइनस वन, इस पॉइंट पे माइनस वन पे डिस्टेंस डिफरेंशिएबल नहीं है, जीरो पे नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, मतलब मिल गया हमारे पास क्या रहेगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट इज इक्वल टू माइनस वन जीरो और वन, और साथ क्या होगा डिसकंटिन्यूटी भी दिख रही है, यहाँ से यार पेन उठाया यहाँ रखा, यहाँ से उठाया यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ चले गया फिर उठाया फिर यहाँ रखा पेन, फिर से उठाया फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर से पेन उठाया हमने यहाँ पे यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ रखा फिर चले गए, तो माइनस वन पे हमने पेन उठाया था, जीरो पे उठाया था पेन और वन पे उठाया था, मतलब इन तीन पॉइंट में क्या हुआ डिसकंटिन्यूटी, और डिफरेंशिएबल तो दिख रहा है क्या है बस जी, माइनस वन से लेफ्ट पोर्शन मिल रहा है वन, माइनस वन से राइट पोर्शन क्या मिल रहा है वन, सॉरी माइनस वन,
यहीं पे दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूटी सॉरी डिफेंसिविटी नहीं। ओके तो फॉग हो गया डिफाइन। अब आप गॉफ करें पर,
प्रोडक्ट एंड कोशेंट वो भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू a, नोट कर लीजिए। ओके नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, सेकेंड पॉइंट, इफ एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल, डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एक ही बात है, डेरिवेबल एट x equal to a, then f of x plus g of x and f of x minus g of x is not differentiable and derivable at x equal to a। Continue पढ़ा था कि एक function continuous, second function discontinuous, तो overall function क्या होता था, discontinuous। वैसे यहाँ पर अगर पहला फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, तो उनका जो सम होगा वो भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा और डिफरेंस होगा वो भी नॉट डिफरेंशिएबल होगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, fx इक्वल टू मॉड एक्स लिया और सेकेंड लिया gx इक्वल टू 1 ले लिया, तो सम की बात करें, ये फंक्शन क्या है, जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल है, जीरो से लेफ्ट माइनस है, जीरो से राइट वन, डज नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो नॉट डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ओके जैसे मैंने किया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स निकालेंगे क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस में क्या आएगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्या होगा, माइनस एक्स प्लस वन और माइनस एक्स सॉरी एक्स प्लस वन, तो माइनस एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या है, माइनस वन डिफरेंशिएट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स प्लस वन को क्या है, वन, माइनस वन डज नॉट इक्वल टू वन, एल एस जी डज नॉट इक्वल टू आर एस जी, अगर सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ माइनस वन रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, माइनस वन, और इधर क्या आएगा, माइनस वन डज नॉट इक्वल टू वन, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके इतना नोट कर लो। अच्छा इसके बाद में इसी में कंटिन्यूस है कि हम तो प्रोडक्ट और कोशेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हो भी सकता है कंटिन्यूएबल और नहीं भी हो सकता है, तो नीचे लिखना नथिंग कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट एंड कोशेंट, लिख देता हूं, नथिंग कैन बी सेड अबाउट प्रोडक्ट एंड कोशेंट। ओके रफ करें, थर्ड पॉइंट है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल, बोथ आर नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, देन नथिंग कैन बी सेड अबाउट, नथिंग कैन बी said about sum, difference, product and quotient।
हम कुछ नहीं कर सकते फंक्शन होगा या नहीं होगा। ओके नोट कर लो। फिर इंडिया में कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट
ये तो सम और जो सेकंड पॉइंट था वही हुआ ना, बस फर्स्ट सेकंड पॉइंट का फर्स्ट। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, रख कर दे इसको। पहला फंक्शन दिया है f is equal to x, डेरिवेटिव x equal to 0, fx equal to x is derivable at x equal to 0 and gx equal to mod of x, gx equal to mod of x is not differentiable here, not derivable, then not differentiable it is अच्छा है, not differentiable at x equal to 0, then f of x dot g of x is differentiable at x equal to 0, फिर लिखते g x, लिखे g x क्या आएगा हमारे पास f x dot g x, ऐसा कर देते हैं, ओके f x क्या है x है और ये mod x है, जीरो को चेक करना है, फंक्शन बना लो x less than 0, x greater or equal to 0, less than क्या है माइनस x स्क्वायर, ये क्या है x स्क्वायर। अच्छा अब क्या करेंगे, माइनस x स्क्वायर है, डिफरेंशिएट कर लो g dash x, क्या आएगा माइनस 2x और ये आएगा 2x, x is less than 0, x is greater or equal to 0, जीरो पुट करोगे क्या है जीरो, जीरो पुट करोगे जीरो, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ओके पुट करो क्वेश्चन भी जीरो, अगर एफ एक्स अपॉन जीरो होता तो क्या होता है एक्स अपॉन में मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस वन आता है, यहाँ पे क्या आता है प्लस वन आता है, जी डिफरेंशिएट करते हैं जीरो आता है, जीरो जीरो फंक्शन वो भी डिफरेंशिएबल होता है, ओके नोट कर लो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में क्या है, पहला फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, जी एक्स की वैल्यू है मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, पहला फंक्शन दिया है कैपिटल जी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस में मॉड एक्स इज डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, और सेकेंड पॉइंट दिया है जी एक्स या एच एक्स कर लेते हैं, एच एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, ओके थर्ड पॉइंट कर लेते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट कर लो, फर्स्ट पॉइंट लेते हैं पहले, जी एक्स क्या है जीरो पे चेक करना है, जीरो से लेस पोर्शन, जीरो से ग्रेटर पोर्शन, जीरो से लेस करेंगे ये जो मॉड है ये नेगेटिव, साइन नेगेटिव क्या होता है माइनस साइन, जो क्या माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स होगा, फिर जीरो पॉजिटिव करेंगे इसके लिए,
जीरो पहुंच क्या है पॉजिटिव हो तो क्या रहेगा साइन एक्स माइनस में एक्स रहेगा होगा। डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी डैश एक्स क्या आएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस वन यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा कॉस एक्स माइनस वन एक्स इज लेस देन जीरो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। जीरो जैसे ही पुट किया क्या आएगा माइनस कॉस जीरो प्लस वन तो क्या आएगा मेरे पास माइनस कॉस जीरो क्या होता है वन माइनस वन प्लस वन जीरो वन माइनस वन जीरो फंक्शन है डिफरेंशिएबल जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो दिख रहा है ना जीरो पुट कर लो जीरो पुट किया कॉस जीरो क्या होता है माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया और वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड फंक्शन की सेकेंड क्या था एच एक्स इसको भी डिफाइन कर लेते हैं जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ये पोर्शन नेगेटिव करोगा मतलब क्या हो गया माइनस साइन एक्स और माइनस में एक्स होगा और यहां पे करेंगे क्या आएगा माइनस साइन एक्स सॉरी साइन एक्स प्लस एक्स होगा। डिफरेंशिएट कर देंगे एच डैश एक्स क्या आएगा ये हो जाएगा माइनस में कॉस एक्स और माइनस वन ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वन एक्स लेस देन जीरो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। जीरो पुट करो माइनस वन माइनस टू और वन प्लस वन टू तो माइनस टू लेस नॉट इक्वल टू टू क्या रहेगा एच एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। सारे पॉइंट कवर हो गए। पहला पॉइंट क्या था अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस तो सम प्रोडक्ट डिफरेंस इंक्लूजन क्या होगा सॉरी डिफरेंशिएबल होगा। सेकंड क्या था कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उनका सम और डिफरेंस क्या होगा ऑलवेज नॉन डिफरेंशिएबल होगा बट प्रोडक्ट और कोशेंट के बारे में नहीं कह सकते क्यों क्योंकि हमारे पास हो भी सकता है डेरिवेबल और नहीं भी हो सकता है। ओके हो गई इसके पहले क्वेश्चन किया। थर्ड था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं सम अबाउट द सम प्रोडक्ट डिफरेंस एंड कोशेंट के बारे में। दिख रहा है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था डिफरेंस डिफरेंशिएबल था बट कंटिन्यूअस नॉट सॉरी सम नॉट डिफरेंशिएबल था कर भी दिया प्रूफ। ओके तो ये पॉइंट्स थे और इतना नोट कर लीजिए इसके बाद के जो आगे के पॉइंट्स हैं वो लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके